हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो माय न्यू टॉपिक इज़ अलंकार और अलंकार का संगीत में क्या महत्व है। अलंकार यानी कि आभूषण और गहने किस काम आते हैं? सजावट के हमारे सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, तो उसी प्रकार से संगीत में भी अलंकार किसी गाने में या किसी राग में चार चांद लगा देते हैं। अगर डेफिनेशन के उसमें कहें तो सरगम और पलटे से सजाया जाता है, यह एक डेफिनेशन है। अलंकार का विशेष समुदाय है, समुदाय जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अलंकार का संगीत में क्या महत्व है? अलंकार से स्वर और ताल का ज्ञान बढ़ता है। क्या होता है? स्वर और ताल का ज्ञान बढ़ता है। अलंकार के अभ्यास से सुरीले होते हैं। अलंकार के अभ्यास से कोई भी कलाकार राग के अलंकार को अच्छे से गा बजा सकता है, उसमें निपुण हो जाता है। किसी भी राग को गाने से पहले उस राग के अलंकार ही गाए जाते हैं, ठीक है। वह विशेष वर्ण समुदाय जो क्रमबद्ध हो, नियमबद्ध हो, जिसके आरोह अवरोह हो, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार को गाने से कभी भी बेसुरा नहीं हो सकते। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में लिखते हैं, अलंकार के बिना गीत वैसे ही प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा के बिना निशा, जल के बिना नदी और फूल के बिना लता। यानी इम्पॉर्टेंट है जो म्यूजिक में, वो है अलंकार। भरत मुनि का कहना है कि अलंकार संगीत सौंदर्य का बहुमूल्य गहना है। अलंकारों का अभ्यास करने से स्वर का ज्ञान बढ़ता है। स्वर क्या है? सारे गामा पाधा निसा। लय की सही जानकारी मिलती है। गायक का कंठ सद जाता है और वादक की उंगलियां साज पर सद जाती हैं। गायक और वादक का मतलब क्या है? यहाँ से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और वोकलिस्ट। गायक बोलते हैं, किसको बोलते हैं? गायक वोकलिस्ट को, और वादक जो बोलते हैं वो हमें बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को। अलंकार की प्रैक्टिस करने से अगर जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वादक की उंगलियां जो हैं, उसकी फिंगर्स जो हैं, अकॉर्डिंग टू उसके रिलेटेड कोई भी सॉन्ग ईजिली प्ले कर सकता है। और वोकलिस्ट जो है उसकी गले में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, रस आ जाता है, मधुरता आ जाती है कि वह टफ से टफ सॉन्ग भी इजीली सिंग कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ गायन और वादन दोनों ही लोच और रस का समावेश हो जाता है। मैंने आपको बोला है कि उसमें परफेक्शन आ जाती है। अंत में कह सकते हैं कि स्वरों का खेल ही संगीत की शान है। यानी जो हमारे इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि अगर हम स्वर का ज्ञान होगा तो हम संगीत में अपनी निपुणता दिखा सकते हैं। तो आई होप सो क्लियर नाउ टुडेज़ डेफिनेशन अलंकार। तो टुडेज़ होमवर्क, लर्न एंड राइट अलंकार डेफिनेशन। थैंक यू।